लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए फास्ट खबर। श्रीमती पुष्पा तेलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा तेज गति से लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए 16 वर्षीय बालिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी भानु प्रताप पिता नंद किशोर शर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम डसानी जिला नीमच को धारा 304A भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदंड और धारा 279 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली ADPO श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 1 अक्टूबर 2016 को दिन के लगभग 3:30 पर थाना नीमच केंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डसानी रोड की है। घटना दिनांक को 16 वर्षीय मृतिका पूजा व ज्योति नागदा दोनों नीमच से पढ़कर साइकिल से वापस गांव आ रही थी, तभी रास्ते में आरोपी उसके ट्रैक्टर को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया व पूजा की साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह नीचे गिर गई व उसके सिर पर गंभीर चोटें आई व इलाज हेतु जिला चिकित्सालय नीमच पहुंचने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की मर्ग जांच के उपरांत आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 512/16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में चश्मदीद साक्षी, मर्ग जांचकर्ता व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा ADPO द्वारा की गई। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।